कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है रुद्र एंड पूजा। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग जिसमें है कुछ रेसिपी। तो आज हम राजमा बनाने वाले हैं और ये कुछ स्पेशल नहीं है, बट मैं जैसे बनाती हूँ घर पे, जैसे मैंने मम्मी से सीखा है। पहले तो मुझे आता नहीं था खाना बनाना, तो जैसे जैसे मैंने सीखा है और जैसे मैं बनाती हूँ राजमा, तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे बनता है। तो मुझे अब जाना है किचन और मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ, तो सबसे पहले तो मैं रेडी होऊंगी, उसके बाद जाऊंगी किचन में। और मैंने राजमा को रात को ही भिगोने के लिए रख दिया था। वैसे 3-4 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं आप, और मैंने रात को ही रख दिया था। तो फिर मिलते हैं रात में। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। ये तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे, मैंने जैसे भी बनाया है मम्मी से सीखा है। तो आइए देखते हैं कि कैसा बनता है हमारा राजमा। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ राजमा। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैंने तेल डाल दिया है और तेल गर्म होने के बाद मैंने हल्का सा जीरा डाला है। जीरा हल्का सा रेड हो जाए तब हम उसमें डालेंगे तेजपत्ता। तेजपत्ता डालने के बाद हम वो मसाले और राजमा डालेंगे जो हमने मिक्स किए हैं। मैंने राजमा रात को ही भिगो दिए थे सुबह बनाने के लिए, पर आप 3-4 घंटे पहले भी राजमा को भिगो सकते हो। मैंने इसमें राजमा, प्याज और इसमें जो भी मसाले यूज़ होते हैं राजमा बनाने के लिए, वो सभी साथ में मिक्स किया है। इन मसालों में अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ी सी काली मिर्च है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा मेथी पत्ता और स्वाद अनुसार नमक। मैंने पहले ही मसाला मिक्स कर दिया था इसलिए आपको दिखा नहीं पाए। ऐसे राजमा चावल तो सबको पसंद है, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे बनाते हैं। वैसे ऐसे भी बनाते हैं कि पहले मसाला फ्राई करते हैं और राजमा को पहले उबाल लेते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं और फिर हम बनाते हैं। तो मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती हैं, पहले राजमा मिक्स करती हैं मसालों के साथ, उसके बाद फ्राई करती हैं, उसके बाद प्रेशर कुकर में डाल के सीटी लगाती हैं। तो ये हमारा राजमा मैंने मिक्स कर दिया है और मैंने ढक दिया उसे एकदम धीमी आंच पे। सब्जी हमारी चढ़ी हुई है तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। तो एप्पल और बनाना मैंने इनको खाने के लिए दे दिया, और मैं फ्रूट्स नहीं खाती सुबह सुबह। सभी बोलते हैं मुझे फ्रूट्स खाया करो, ये भी बोलते हैं, बट मैं सुबह सुबह फ्रूट्स मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं खाऊंगी दूध और टोस्ट। मैंने अपने लिए दूध निकाला विथ हॉर्लिक्स और टोस्ट। ये रहा टोस्ट, इसकी पैकिंग खोली जा रही है और मैं खाऊँगी टोस्ट एंड दूध। ये मैं बैठ गई खाने के लिए। ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, तो सब्जी का हाल देखते हैं कि क्या है। ये मैंने धीमी आंच पे इसे रखा था तो अभी प्याज नहीं गली है, अभी हम इसे दोबारा से ढक देंगे। ऐसे ही ढक के हम फ्राई करेंगे 2-3 बारी और देखते हैं। तो प्याज लगता है कि गल चुका है, अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, इससे राजमा का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। क्योंकि मैंने राजमा पहले नहीं उबाला था इसीलिए मैं बाद में प्रेशर कुकर में इसे डाल के सीटी लगाऊंगी। तो ये राजमा मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना ऐसे बनाना और फिर बताना कि इसका टेस्ट अच्छा लगता है या उसका। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अब राजमा मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, मैं कढ़ाई में पानी डालूंगी, जो भी मसाले उसमें लगे होंगे वो सारे मिक्स हो जाएंगे और मैं इस पानी को फिर प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। तो ये मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया, अब हमारा राजमा थोड़ा सा ग्रेवी अच्छा लग रहा है। ये चावल के साथ खाने में अच्छा लगता है अगर थोड़ा सा ग्रेवी इसमें ज़्यादा होता है। मैंने प्रेशर कुकर में राजमा को बंद कर दिया, अब हम 2-3 सीटी लगा देंगे और ये राजमा हमारा तैयार हो गया। अब मैं खाना खा रही हूँ राजमा रोटी। मैं चावल ज़्यादा नहीं खाती इसलिए मैं रोटी ही खाती हूँ।
और मम्मी यहाँ पे क्या बना रही हैं? मम्मी मम्मी खीर बना रही हैं। आज पूजा था घर में तो मम्मी खीर बना रही थी। मम्मी का व्रत था आज। सिद्धार्थ को बोल दे कि यहाँ छुपी हुई हैं आप। नुक्कड़ छुपी खेल रही हैं। हाँ बोल दे। कहाँ जा रहे बाबू? घूमने जा रहे हैं दादी के पास। दादी के पास? हाँ मम्मा को किसी करो तो किसी कर लो। मम्मा को किसी करो। नहीं करेगा। अरे वाह, फ्लाइंग किसी करना है। आहा 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 आहा।